नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी अथवा नई शिक्षा नीति देश के तमाम विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गई है और जो भी पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उसके लिए उसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इसका एक ऐतिहासिक विश्लेषण करना मुझे आवश्यक लगा। हालांकि इसके पहले भी मैंने ज्ञान परंपरा पे एक वीडियो डाली थी, लेकिन इस बार विस्तार से और खास करके पहले मैंने जो वीडियो डाली थी एंशिएंट इंडियन विजडम करके, वो अंग्रेजी में थी, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नोट्स के साथ विस्तार से इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। परंतु एक बार फिर मेरी अपील है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने कमेंट्स भी दिया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जो नई नई वीडियो आएँ उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए मित्रों, चर्चा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत अपनी ज्ञान परंपरा और दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत कुछ हमारे पास था प्राचीन काल में और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत के ज्ञान परंपरा का डंका बज रहा था। एक समय प्राचीन फारसी, यूनानी और रोमन लोग भारत के ऋषियों और दार्शनिकों से सीखने के लिए उत्सुक थे। इन सब चीज़ों का पता हमें इससे भी चलता है, बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। बहुत सारे विदेशी यात्री दूत मंडल के रूप में आए, जैसे मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो उन सब लोगों ने जो कुछ भी लिखा है भारत के बारे में, दूसरे बहुत सारे जो विद्वान आए थे उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा है, उनसे हमें पता चलता है कि विदेशों में भी भारत की ज्ञान परंपरा की चर्चा हुआ करती थी और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती थी। जब 18वीं शताब्दी में कुछ उपनिषदों और भगवद गीता के प्रथम अनुवाद पश्चिम को उपलब्ध हुए तो यूरोपीय दार्शनिकों ने इन लेखों की गहराई और सुंदरता की प्रशंसा की। उस समय, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कि भारत पे धीरे धीरे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, खास करके प्लासी की लड़ाई के बाद सिस्टमेटिक रूप से, बहुत ही व्यवस्थित रूप से अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्राधिकार तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति में भी रुचि लेना उन्होंने प्रारंभ किया और उन्होंने यहाँ की प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गहराई से अध्ययन प्रारंभ किया। तो उनके प्रयासों से बहुत सारे प्राचीन भारत के दस्तावेज, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, तमाम चीज़ें जो है उनको जो प्राप्त हुई, तो उसके अनुसार उन्होंने जो अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने भारत की बड़ी प्रशंसा की। तो 18वीं शताब्दी में कुछ उपनिषदों और भगवद गीता के प्रथम अनुवाद पश्चिम को उपलब्ध हुए, यूरोपीय दार्शनिकों ने इन लेखों की गहराई और सुंदरता की प्रशंसा की। यहाँ उन्हें सामना करना पड़ा दर्शन और धर्म के मिश्रण, गहन ज्ञान और परम सत्ता के प्रति चिंतन का, जिसका समकालीन पश्चिमी दर्शन या पश्चिमी धर्म में कोई समानता नहीं थी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत का जो संपूर्ण चिंतन है वो अध्यात्म से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो पश्चिम के लिए, पश्चिम की जो संस्कृति थी वो भौतिकवादी संस्कृति थी, तो उनके लिए ये सब बातें कौतूहल पैदा करने वाली थी, आश्चर्य पैदा करने वाली थी। भारतीय दर्शन के अत्यधिक परिष्कृत और तकनीकी रूप, से बहुत समृद्ध है और मात्रा और सूक्ष्मता दोनों में आगे है। मात्रा मतलब क्वांटिटी और सूक्ष्मता दोनों में आगे है।
तो यह प्राचीन भारत था जहां ज्ञान ने किसी अन्य देश में जाने से पहले अपना घर बनाया था। पूरे विश्व में इतिहास का अध्ययन करें और आप देखेंगे कि जो भी उच्च आदर्श आपको संसार में कहीं भी मिलते हैं उनका मूल भारत में ही था, उनकी जड़ें आपको भारत में ही मिलेंगी। संस्कृत की बात हम करें मित्रों, तो संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे व्यवस्थित और व्याकरण की दृष्टि से उत्तम भाषा है। संस्कृत ग्रंथ सभी प्रकार के ज्ञान या बुद्धिमत्ता का भंडार है जो भारतीय परंपरा, इतिहास और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब तो आधुनिक काल में कंप्यूटर वैज्ञानिकों के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत सबसे सुविधाजनक भाषा है। पाणिनि का व्याकरण दुनिया की अब तक देखी गई सबसे उल्लेखनीय साहित्यिक कृतियों में से एक है और कोई भी अन्य देश इसकी तुलना में किसी भी व्याकरणिक प्रणाली का निर्माण नहीं कर सका है। तो व्याकरण का क्षेत्र जो है वो उसमें भारत बहुत आगे था कि, और चूंकि भारत की जो भाषा होती थी वो व्याकरण के नियमों में आबद्ध होती थी, इसलिए वो भाषा बड़ी ही शुद्ध, बड़ी ही परिष्कृत हुआ करती थी। यहाँ तक कि हमें तमिल में भी संगम काल में भी तोलकप्पियम नाम का व्याकरण ग्रंथ प्राप्त होता है और पाणिनि का व्याकरण तो बेजोड़ था ही, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी प्रशंसा तमाम विदेशी विद्वान भी किया करते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एएल भाषम के अनुसार एएल भाषम ने बड़ी अच्छी दो पुस्तकें भारतीय संस्कृति के ऊपर लिखी हैं। एक तो है द वंडर दैट वाज इंडिया, उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है अद्भुत भारत के नाम से, और दूसरी पुस्तक एएल भाषम के द्वारा संपादित है, एडिटेड है, जिसका नाम है अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एएल भाषम के अनुसार पाणिनि का व्याकरण किसी भी प्राचीन सभ्यता की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धियों में से एक है। वेद, पुराण, ब्राह्मण, सूत्र, उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों और ग्रंथों के अलावा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य संस्कृत भाषा ने वेद व्यास, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, भास, बाणभट्ट और कई अन्य ऐसे महान संस्कृत विद्वानों को जन्म दिया। तो कालिदास के साथ शास्त्रीय संस्कृति अपने चरम पर पहुंच जाती है। हम ये कह सकते हैं कि कालिदास जो थे वो संस्कृत भाषा जो थी, लौकिक संस्कृत थी, तो वो उसका चरमोत्कर्ष थे, इसीलिए उनको कवि कुल गुरु कहा जाता है और कहा जाता है कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। तो सबसे पहले जब कवियों की गणना होती है तो सबसे पहले गणना जो है उसमें जो नाम आता है वो कालिदास का नाम आता है। तो कालिदास के साथ शास्त्रीय संस्कृति अपने चरम पर पहुंच जाती है जब वो अपनी काव्यात्मक और नाटकीय प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी लेखनी नीचे रखते हैं। कालिदास भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक परंपरा के महानतम सांस्कृतिक दूत और प्रतिनिधि थे। कभी एक पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की लालित्य योजना, इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें तो उस पुस्तक में आपको पता चलेगा कि कैसे कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि थे या भारतीय संस्कृति के वो सांस्कृतिक दूत थे और उनके माध्यम से संस्कृत जो है आधुनिक युग में विदेशों में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ी पढ़ाई जाती है और कालिदास का नाम वहाँ भी पहुँचा है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने संस्कृत साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि दिखाई। उनका विचार था कि संस्कृत के अध्ययन पर इस देश में अभी तक जितना ध्यान दिया गया है उससे कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उस प्राचीन विरासत में भाषाएँ, धार्मिक और बौद्धिक जीवन और विचार, संक्षेप में हिंदुओं की पूरी सभ्यता की जड़ें हैं। जो नाटन डंकल ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला था जब शुरू शुरू में भारत में प्रारंभ में अंग्रेजों ने अपने राज्य की स्थापना प्रारंभ की, तो उस समय उन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी,
कलकत्ता में और बनारस में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, और बहुत सारे विद्वान, विदेशी विद्वान जो ओरिएंटलिस्ट कहे जाते थे, उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, और बहुत सारे विद्वानों ने संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा, जैसे मैकडॉवेल ने लिखा, कीथ ने लिखा, और इन सारे विद्वानों ने ये बताया कि जो भी संस्कृत के हमारे पुराने भारत के स्क्रिप्चर्स हैं वो पूरे दुनिया की थाती हैं। जैसे मैक्स मुलर था, उसने किताब लिखी व्हाट इंडिया कैन टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है, उसमें उसने ये बताया कि भारत का जो संस्कृत का वांग्मय है वो एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक विरासत है, और सबको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया में शांति स्थापित करके रखनी है तो उसके लिए हमें भारत की ओर देखना होगा। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृत के अध्ययन को प्राथमिकता दी। प्रारंभ में वे प्राचीन हिंदू कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार अपने भारतीय साम्राज्य पर शासन करना चाहते थे। सर विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और अलेक्जेंडर हैमिल्टन संस्कृत अध्ययन के अग्रदूत थे। इन लोगों ने बहुत सारी किताबों के अनुवाद वगैरह भी किए संस्कृत से अंग्रेजी में, उन पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे किसी और भी वीडियो में। मित्रों, इतिहासकार एच जी रॉलिंसन ने यूरोप में संस्कृत के अध्ययन के आरंभ का एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक विवरण दिया है। वह कहते हैं कि यूरोप में संस्कृत का आगमन एक विचित्र संयोग से हुआ। कंपनी के नौकरों में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन को नेपोलियन के युद्धों के दौरान पेरिस में हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने अपना समय अपने साथी कैदियों को संस्कृत भाषा सिखाने में बिताया, और उनके शिष्यों में जर्मन कवि और दार्शनिक श्लेजल भी थे। जर्मनी लौटने पर श्लेजल ने अपनी पुस्तक ऑन द लैंग्वेज एंड विजडम ऑफ इंडियंस को प्रकाशित किया। तो यह यूरोपीय लोगों के लिए एक महान आविष्कार था, एक महान खोज थी, क्योंकि संस्कृत शास्त्रीय साहित्य का कोश थी। उपनिषद एक नए ज्ञान या रहस्य उद्घाटन के रूप में शोपेनहावर के पास आए। शोपेनहावर और वॉन हार्टमैन के माध्यम से संस्कृत दर्शन ने जर्मन ट्रांसेंडेंटलिज्म को गहराई से प्रभावित किया। विलियम जोन्स ने देखा कि संस्कृत ग्रीक और लैटिन से एक निश्चित समानता रखती है, और संभवतः तीनों भाषाओं की जड़ें एक ही हैं। मैक्स मुलर अपने एक व्याख्यान में कहते हैं कि मुझे हर उस युवा को सलाह देनी चाहिए जो भारत में अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है और अपने और दूसरों के लाभ के लिए अपने कुछ वर्ष बिताना चाहता है, तो वह संस्कृत सीखे और इसे अच्छी तरह से सीखे। इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्स मुलर जो है, भारतवर्ष को, अगर कोई व्यक्ति भारत को जानना चाहता है, भारत के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से परिचित होना चाहता है, तो उन्होंने उसे संस्कृत सीखने का परामर्श दिया, और अच्छी तरह सीखने का परामर्श दिया, ये भी नहीं कि बस केवल थोड़ा बहुत सीख ले। तो वर्तमान समय में संस्कृत के प्रयोग पर प्रश्न उठाए जाएंगे, क्या संस्कृत एक मृत भाषा नहीं है? उनका मानना है कि मात्र संस्कृति ही हमें हिंदू मानस के ऐतिहासिक विकास का दिग्दर्शन करा सकती है। मित्रों, हम मानव सभ्यता के एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियों और दबावों के कारण हम में से अधिकांश ने मानसिक शांति और खुशी खो दी है। उपभोक्तावाद की हमारी प्रमुख संस्कृति केवल भौतिक वस्तुओं को बढ़ावा देती है, इसलिए हम अक्सर उन बातों के बारे में भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी राजनीति, अर्थशास्त्र, उद्योग और विज्ञान निस्संदेह अद्भुत उपलब्धियों से समृद्ध हैं, तथापि जीवन में सामंजस्य और सुंदरता नहीं है। तो ऐसे कठिन समय में वेदों का ज्ञान और संदेश हमारे बहुत काम आएंगे, ऐसा विद्वानों का मानना है। वेद का ज्ञान असीमित स्रोत है, और वैदिक संस्कृति सत्य और सौंदर्य और मधुरता का पंथ है। हम सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की निरंतर खोज से जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। वैदिक धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है। वैदिक धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है, जो एक संस्कृत शब्द है,
और जिसका अर्थ है कि सभी धर्म या सभी सत्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ सद्भाव में है। सच्चे धार्मिक मूल्यों की एकता सत्य के इस मूल धर्म को दर्शाती है, प्रेम, शांति, दान, करुणा, भक्ति, सच्चाई और सभी उच्च मूल्य एक दूसरे में समाहित होते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। आधुनिक भारत में सर्वधर्म संभाव का दृष्टिकोण एक राजनीतिक सिद्धांत में बदल गया है और यह देश की सोच पर हावी हो गया है। प्रायः विभिन्न परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में सामंजस्य बिठाने का मुख्य साधन बन गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था कि सभी धर्मों का सम्मान करना हिंदू धर्म का सिद्धांत है। तभी वो कहा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, और इसीलिए वो गीता कुरान बाइबिल सबका अध्ययन करते थे। बौद्ध धर्म जैन धर्म का भी अध्ययन करते थे और वो ये भी कहा करते थे कि मैंने अपने जो सत्य अहिंसा अपरिग्रह इत्यादि के जो विचार लिए हैं, सर्वधर्म संभाव के जो विचार लिए हैं, वो इन्हीं प्राचीन ग्रंथों से लिए हैं, इन्हीं प्राचीन पंथों से लिए हैं। तो उन्होंने सर्वधर्म संभाव का उपदेश दिया। हिंदू धर्म पर उनके विचार उद्धृत करने योग्य हैं। महात्मा गांधी के अनुसार, मेरा हिंदू धर्म सांप्रदायिक नहीं है, इसमें वह सब सम्मिलित है जो मैं इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो महात्मा गांधी सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें लेने के पक्ष में थे और उनका मानना था कि इसी से सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के प्रति समान भाव की उत्पत्ति हो सकती है। उपनिषदों की बात हम करें मित्रों, उपनिषदों पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप जो भी हमारे साथी देखना चाहें तो उपनिषदों के ज्ञान पे एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो उपनिषद हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान, दृष्टि और बुद्धिमत्ता के बारे में विस्तार से बताते हैं। आधुनिक समय में विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति उपलब्ध नहीं है। चारों तरफ संघर्ष चल रहा है। संघर्ष और भ्रम के बीच दुनिया एक संदेश के लिए उत्सुक है और वो संदेश क्या है? वो शांति का संदेश है। तो उपनिषद भारत के महान ऋषियों की प्रेरणा का अमर स्रोत और विद्या का अक्षय कोष है। हमें अपने मार्गदर्शन और प्रकाश के लिए प्राचीन मनीषियों और प्रबुद्ध ऋषियों की ओर देखना चाहिए। 19वीं सदी के महान दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने उपनिषदों के बारे में लिखा था कि उपनिषदों के प्रत्येक वाक्य से गहरे मौलिक और उदात्त विचार उत्पन्न होते हैं और संपूर्ण उपनिषद एक उच्च, पवित्र और ईमानदार भावना से ओतप्रोत है। पूरे विश्व में उपनिषदों के समान कोई भी अध्ययन इतना लाभकारी और इतना उन्नत नहीं है। देर सवेर उन पर लोगों का विश्वास बढ़ना तय है। तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि उस समय उपनिषद जो थे वो उस समय तक कहा जाता था कि वेदों का जो अंतिम परिणत हुई वो वेदांत उसको कहा जाता है। तो जो उस दार्शनिक अनुसंधान की परिणत है जो वेदों में आरंभ हुई थी। भारतीय ज्ञान और दर्शन का सार वेदांत है जो हमें आत्म विकास की तकनीक सिखाता है। इसकी सबसे सारगर्भित अभिव्यक्ति भगवद गीता में निहित है और एडल्स हक्सले के अनुसार गीता अब तक के शाश्वत दर्शन के सबसे स्पष्ट और सबसे व्यापक सारांशों में से एक है। इसलिए इसका मूल्य स्थायी रूप से न केवल भारतीयों के बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। मित्रों, बहुत से लोगों ने आगे चल करके, आप देखिए, सब शंकराचार्य जो थे उन्होंने वेदांत दर्शन के माध्यम से भारत के लोगों को भक्ति का संदेश दिया। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने, उसके पहले कबीर दास ने, सब लोगों ने वेदांत को अपनाया और वेदांत जो है वो भारत का प्रमुख दर्शन है। भगवद गीता में यद्यपि राजनीति और वीरता के लिए काफी जगह है, फिर भी ज्ञान और प्रेम का स्थान राजनीति और युद्ध से कहीं अधिक है। गीता पर अपनी टिप्पणियों में महात्मा गांधी ने गीता को अपनी माँ के रूप में वर्णित किया। जब मैं कठिनाई या संकट में होता हूँ तो मैं उसकी शरण लेता हूँ, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। वेदांत के सबसे अच्छे और सबसे उल्लेखनीय प्रतिपादक शंकराचार्य थे जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुए थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ भगवद गीता, 10 प्रमुख उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य है।
उनकी शिक्षा का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, संसार एक भ्रम है, मिथ्या है, माया है। व्यक्तिगत आत्मा स्वयं सर्वोच्च परमात्मा के समान है। भारतीय धर्म और दर्शन की परिणति वेदांत में हुई है। मित्रों, शंकराचार्य के ऊपर एक अलग वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा आपके सामने। प्राचीन हिंदू राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक विशेषता में प्रथम श्रेणी में थे। प्रत्येक विभाग में प्राचीन हिंदुओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, धर्म और दर्शन का क्षेत्र हो, वास्तुकला, चित्रकला, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, राजनीति, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हिंदुओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भारत वह स्रोत है जहाँ से न केवल शेष एशिया बल्कि पूरी दुनिया ने अपना ज्ञान और अपना धर्म प्राप्त किया। जहाँ तक प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऋषियों के अनुसार इस स्पष्ट जीवन से परे और पीछे एक बड़ा जीवन है। इस प्रत्यक्ष संसार को घेरे हुए एक बड़ा संसार है। इसलिए इन ऋषियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को इस बड़े जीवन के बारे में जागरूक करना और उसे यह सिखाना है कि इस तक कैसे पहुंचा जाए। सॉरी। प्राचीन भारतीय शिक्षा ने असावधानी, व्याकुलता, भ्रम, आलस्य और बेचैनी जैसे मन के विक्षेप कहे जाने वाले तत्वों पर विजय पाने में सहायता की, यानी एक शब्दों में, एक वाक्य में कहें तो मनोविकारों पर विजय पाने वाले तत्वों को जानने में हमारी सहायता की। तरह तरह के मनोविकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तो इन सब पर विजय पाने के लिए ही जो है वो भारतीय शिक्षा ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा दिखाई लोगों को। आज सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्क भी इन विकारों से ग्रस्त हैं, यानी पढ़े लिखे लोग भी आज जो है वो मनोविकारों से ग्रस्त हैं। आधुनिक मन बेचैन, व्याकुल, विचलित, अस्वस्थ और स्वयं के साथ संघर्ष में लिप्त है। आधुनिक शिक्षा इस प्रकार की मानसिक बीमारी का कोई इलाज या उपचार प्रदान नहीं करती है। आधुनिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा और अनुशासन को शामिल करने में विफल रहती है। तो यानी कि जो एजुकेशन है उसमें वैल्यूज़ की कमी है। आज की जो शिक्षा है व्यावसायिक हो गई है। लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या और भी तमाम तकनीकी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हैं। तो लेकिन शिक्षा तभी सार्थक है जब शिक्षा जो है वो मूल्यों से युक्त हो, यानी शिक्षा जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाए। तो शिक्षा लोगों में मानवीय गुण पैदा करे तभी वो शिक्षा सार्थक है। शिक्षण कार्य अब आजकल क्या है, शिक्षण कार्य कई कैरियर उम्मीदवारों के लिए अंतिम कैरियर का विकल्प है। आजकल टीचर नहीं बनना चाहता कोई, लोग बड़े बड़े प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, टीचिंग में कम आना चाहते हैं, और शायद यही भारत में अच्छे शिक्षकों की कमी का मुख्य कारण है। मैं स्वयं इस बात का उदाहरण हूँ। मैं भी प्रारंभ में जब मैं विद्यार्थी था तो मेरे भी जो है बड़े बड़े सपने थे और बहुत कम मार्जिन से वो पूरे होने से रह गए, लेकिन बाद में विकल्प के रूप में मैंने शिक्षण कार्य को चुना। तो शिक्षण कार्य बहुत लोगों को मैंने देखा है, शिक्षण कार्य प्रायः लोगों का अंतिम कैरियर विकल्प होता है। और यही कारण है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में अगर लोग जल्दी आ जाएं, कम उम्र में आ जाएं, तो आगे चल करके वो बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन प्रायः 35 साल और 40 साल में लोग शिक्षण कार्य में आ रहे हैं, तो इसके कारण दिक्कतें आ रही हैं और इसका नुकसान उठाना पड़ता है देश को। प्राचीन भारतीयों ने विज्ञान के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने खगोल विज्ञान, ज्योतिष, गणित, रसायन विज्ञान, चिकित्सा,
शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, वास्तुकला आदि का अध्ययन बहुत सावधानी से किया और बहुत ही गहराई से किया। पाइथागोरस से 2000 साल पहले उत्तरी भारत के दार्शनिकों ने समझ लिया था कि गुरुत्वाकर्षण और सौर मंडल को एक साथ, और इसलिए सूर्य सबसे विशाल वस्तु को इसके केंद्र में होना था। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो प्राचीन भारत के लोगों ने ये बता दिया था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्हें जानकारी थी, सौर मंडल की उनको जानकारी थी, और बहुत बड़े बड़े खगोल शास्त्री हुए, आर्यभट्ट, बारहा मिहिर जैसे लोग हुए, जिन्होंने जो बातें बताई वो एकदम एक्यूरेट, आज के कंप्यूटर युग में जो बातें बताई जाती हैं उससे एकदम एक्यूरेट मिलती जुलती हैं। संस्कृत भाषी आर्यों ने उस युग में गोलाकार पृथ्वी के विचार को स्वीकार किया, जब यूनानी लोग चपटी पृथ्वी में विश्वास रखते थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीयों ने पृथ्वी की आयु 4.3 अरब वर्ष आंकी थी। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक आश्वस्त थे कि यह 100 मिलियन वर्ष है। प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम 499 ईस्वी में हुए, लता देव 505 ईस्वी, बारह मीर 550 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी, लल 748 ईस्वी, मंजुला या मंजुल 932 ईस्वी, आर्यभट्ट द्वितीय 950 ईस्वी, भास्कर 1150 ईस्वी आदि थे। तो गणित में प्राचीन भारतीयों ने कुछ युगांतरकारी खोजें की, जिनमें शून्य चिन्ह, दशमलव, स्थानीय मान प्रणाली और बीज गणित में अज्ञात मात्राओं को दर्शाने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग आदि शामिल है। तो हिंदू गणित निस्संदेह प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन बौद्धिक उपलब्धि है, और यह मूल शक्ति सौभाग्य से आधुनिक समय तक बची हुई है। भारत के लोग दिल्ली के लौह स्तंभ और सुल्तानगंज के बुद्ध के तांबे के स्तंभ और 40 टन 50 फीट लंबे आश्चर्यजनक रूप से पॉलिश और नक्काशीदार अशोक के अखंड स्तंभ बनाने में सक्षम थे। आज भी इसके ऊपर जो है वो रस्ट नहीं लगा है। भारतीय चिकित्सा की सबसे प्रारंभिक रचनाएं जो संरक्षित हैं वो चरक और सुश्रुत की हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चरक और सुश्रुत संहिता पहले ही मानक कार्य बन चुकी थी, बहुत ही स्टैंडर्ड का वर्क जो है वो थी। तमाम मतलब उसमें आप शल्य चिकित्सा की बात कही गई है, उसमें प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की बात कही गई है, इन ग्रंथों में तमाम बीमारियों के कारण बताए गए हैं और उनके उपचार की व्यवस्था की गई है, और बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही सटीक उपचार की बात कही गई है। हिंदू चिकित्सकों ने स्नायु बंधन, टांके, लसिका, तंत्रिका, जाल, प्रावरणी, वसा और संवहनी ऊतकों, श्लेष, मुश्लेष, झिल्ली और कई मांसपेशियों का वर्णन किया है जो किसी भी आधुनिक पुस्तक में दिखाया जा सकता। बुद्ध के समय भारतीयों के पास 120 शल्य चिकित्सा उपकरण थे। परिवार नियोजन नवीनतम धार्मिक फैशन है जिसका सुझाव 500 ईसा पूर्व के हिंदू चिकित्सा विद्यालयों द्वारा दिया गया था। तो मतलब जो चीज़ें आधुनिक समय में अपनाई जा रही उनके बारे में हमारे पूर्वज पहले से ही जानते थे, तो इसी से हमारी ज्ञान परंपरा की गहराई को समझा जा सकता है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के बारे में बात की जिसे सत्य, ज्ञान, तर्क और भले के बारे में यानी गुड के बारे में ज्ञान से प्यार होता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि शासकों को राजर्षि होना चाहिए, यानी कि राजा होते हुए भी ऋषि के समान उनका व्यवहार होना चाहिए, उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वो ऋषियों की भांति होना चाहिए, सात्विक जीवन होना चाहिए, तो उन्हें उच्च नैतिक चरित्र और अनुशासन का व्यक्ति होना चाहिए और धर्म के बंधन के भीतर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो प्लेटो से बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनि ये बातें कहते थे। भारत में आदर्श धर्म राज्य था, धार्मिकता पर आधारित एक सार्वभौमिक साम्राज्य जहाँ हर कोई शांति और सद्भाव से रहता था, बुनियादी जरूरतों से मुक्त था और मानव जाति की सर्वोच्च आकांक्षा थी। तो मित्रों, प्रत्येक शासक से उम्मीद की जाती थी, अपेक्षा की जाती थी कि वो धर्म के अनुसार शासन करेगा, धर्म के विरुद्ध होकर के शासन नहीं करेगा। यह तभी संभव था जब राजा और उसके मंत्रियों के नैतिक मानक उच्च हों
और उन्होंने सुख और सत्ता की व्यक्तिगत इच्छाओं पर विजय पाली हो। कई प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, शुक्र नीति सार और कई अन्य ग्रंथ जहाँ शास्त्रीय भारतीय राजनीति राजनीतिक ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं उनमें किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और भौतिक कल्याण का एक बहुत ही रहस्यमयी गुप्त गहन दर्शन भी शामिल है। मूलतः पूरा विचार अध्यात्मवाद से प्रेरित था, जो शास्त्रीय भारतीय राजनीति का मूल है। मित्रों, यह भारत का प्राचीन ज्ञान ही था जिसने भारतीय पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अनगिनत अन्य हमारे नेताओं ने हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरणा ली। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत को शांति और अहिंसा के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मन की एकता, सद्भाव और व्यक्तित्व की अखंडता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उसकी प्राप्ति का एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा, सुना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और इस वीडियो को अंग्रेजी में देखने के लिए एंशंट इंडियन विजडम के नाम से एक वीडियो है, तो जो अंग्रेजी माध्यम में देखना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ही उसमें देख सकते हैं। जल्द ही हाजिर होते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।